मीठे रंग बिरंगे खिलौने जिनको दिवाली के अलावा हर तीज त्योहार में पूरे साल भर मनाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा इसे अलग अलग रंगों और आकृतियों में क्यों तैयार किया जाता है और क्या सच में इसमें रंग डालने पे सेहत पे बुरा असर पड़ता है? चलिए देखते हैं कैसी होने वाली इसकी यूनिक मेकिंग और कैसे होने वाला कंप्लीट प्रोसेस। तो ये चीनी का कट्टा ला रहे, देखो डाल दिया है कट्टा, अभी कट्टा खोल के चीनी डालेंगे। पहले चीनी क्यों निकाली जा रही है? घोल में डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत छोटी सी भट्टी बना रखी है। हाँ, छोटी सी भट्टी बना रखी है। इस भट्टी में क्या करते हैं? इस भट्टी में ये दूसरी चाशनी जाएगी, उसमें भगोने में चीनी पलट रहे, अब वो घुलेगी तबे जो है उसमें डाली जाएगी। तो इसमें पानी भी मिलाया जाता है? हाँ, पानी शक्कर घुलने के लिए। और ये क्या मिल रहा है ऊपर से? ये मसाला पड़ता है। भैया अभी क्या कर रहे हो आप? घोट रहे इसको, टाइट करना पड़ेगा ना। मुझे बताइए इसको इतना उबाला क्यों जाता है चाशनी को? आने के लिए, टाइट होगी तभी तो बनेगी। खाने वाला कलर है ये? अच्छा, ये फूड कलर होता है। तो मुझे बताइए ये जो फूड कलर है ये कितना क्वांटिटी में डाला जाता है? क्या डालते हैं कि बस कलर आ जाए, घुमाने से टाइट हो जाएगी ना, जितनी टाइट होगी उतनी जल्दी खुल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी सांचे हैं उनको धुलाई करने के लिए सबसे पहले साफ पानी में डाला जा रहा है और यहाँ पे उसकी बेहतरीन तरीके से धुलाई करी जाएगी और सांचे इस्तेमाल होने के बाद भी उनको धोया जाता है ताकि उनमें दीमक ना लग जाए। सांचे लगाएंगे इसको भरने के लिए। तो अभी हम कौन से आकार के बना रहे हैं? हाँ, जानवरों के हैं, फूल पौधे भी हैं। मुझे बताइए ये तो दिवाली पे बनाए जाते हैं, ये अभी क्यों बन रहे हैं? शादी के लिए। तो ये शादियों में भी चलते हैं और पूजा में भी चलते हैं। हाँ। तो भाई यहाँ पे मुझे बताइए इसको जो सांचे है ना किस हिसाब से भरते हो आप? ये पूरा बराबर तक भरते हैं। तो इसका कोई उल्टा सीधा भी होता है जो सांचे आपने लगाए हैं? हाँ, इसमें उल्टा सीधे हो जाते हैं। वो कलर वो वाला कलर होता है जो बिरयानी वगैरह खानों में डलता है या फिर फूड कलर होता है, लड्डू में भी पड़ता है? इस फूड कलर का कोई नुकसान नहीं होता? कोई साइड इफेक्ट? भैया मुझे एक चीज बताइए, ये जितने भी आप चाशनी डाल रहे हैं यहाँ पे इसके अंदर, ये सारी की सारी आप कह रहे हैं 10 मिनट से पहले ही जम जाएगी? चाशनी टाइट है ना, तो इसको बार बार गर्म करना पड़ता है। इतनी ही चाशनी बनाते हैं कि सांचों में हाथ के हाथ बढ़ जाए। ये वाली आइटम पूरी दिल्ली में कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ हमारे यहाँ ही मिलेगी। हर जगह इसको खिलौने बोलते हैं लेकिन यहाँ पे आप इसे बरी बोलते हो। बरी होता क्या है? शादी ब्याह में चलता है, पैरों के समय इस्तेमाल की जाती है, लड़के वाले लड़की वालों के यहाँ लेकर जाते हैं। सारे जो गुलाबी रंग के हमारे कुंजा थे बन के तैयार हो गए, तो ये एक बार दिखाना कौन सी आकृति बनी है। अच्छा, ये हनुमान जी है। वाह भाई वाह, ये देखो हनुमान जी हमारे बनके तैयार हो गए, पिंक कलर के यहाँ पे इनको रेडी करा गया है। दूसरा दिखाना, ये देखो। अच्छा, ये ऊँट है। वाह भाई वाह, तो ऊँट भी हमारा बनके बिल्कुल रेडी हो गया। वाह भाई, ये बनी है। और यार तुमने कबूतर तोड़ दिया मेरा, इन्होंने चिड़िया की हत्या करी है। मैं यहाँ पे देख सकती हूँ बड़े सुंदर लग रहे हैं देखने में, बिल्ली अलग अलग आकृति के बने हुए, मोर केला। केला। ये बड़ा प्यारा लग रहा है। मुझे बताइए कि ना इनका रेट क्या रहता है? 80 रुपीस के जी है। 80 रुपए का किलो, ये तो बहुत सस्ता है। तो एक किलो में तो ये कम से कम 6-7 तो चढ़ ही जाते होंगे। 4 पीस चढ़ते हैं एक किलो। 4 पीस चढ़ जाते हैं। बताशा, कुंजा, बरी, गुड़ है, बूरा है, खांड की बेली। खांड की बेली क्या होता है? वो शादी ब्याह में जाती है भात नोतने के समय। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे गुलाबी रंग की बरे पूरी कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। तो ये आपका काम कितने बजे शुरू हो जाता होगा? सुबह 5 बजे। तो ये देखो यहाँ पे अलग अलग कलर की बरी जो है वो बनके बिल्कुल रेडी हो गई है, उसको रखा जा रहा है। तो यहाँ पे गुलाबी कलर मिलेगा आपको, पीला कलर मिलेगा और हरा कलर मिलेगा और संतरी। 363 राजमंडी शाहदरा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो रंग बिरंगी बरी है उसकी पैकिंग करनी शुरू कर दी गई है और दिखने में इतने ज्यादा मजेदार और खूबसूरत लग रहे हैं। मुझे नहीं पता था कि खिलौनों को इतने खूबसूरत तरीके से रंग बिरंगे कलर के साथ तैयार किया जाता है। तो दिखने में तो बहुत ज्यादा मजेदार है, प्लस इसकी जो आकृतियां हैं वो अलग अलग है और बहुत सारी हैं। मुझे बताइए कुछ एक मैं देख रही हूँ कि आकृतियां टूट जाती हैं, उनको किस इस्तेमाल में लाएंगे? वो दोबारा गलाई में जाता है। ये देखो समधी समधन, बताशे और खिलौने बनते हुए तो मैंने आपको बहुत बार दिखाए लेकिन यहाँ पे बन रही है बरी जो कि कलरफुल चाशनी से बनाई जाती है और अलग अलग आकृतियों में इसको तैयार किया जाता है। तो देखने में इतने ज्यादा खूबसूरत लग रहे भाई, मुझे नहीं पता मैं इसे खाऊंगी या नहीं। तीज त्योहारों में और शादियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे देखने में बड़े खूबसूरत लगे, मैं इनको देखती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।